गाइस, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं देहरादून के फेमस कारा स्वीट शॉप के समोसे। और ये हमारे साथ हैं लाल सिंह जी, और ये बताएंगे हमें किस तरीके से समोसे बनते हैं और उसकी पिट्ठी में क्या क्या चीजें डलती हैं, किस तरीके से मसाले का यूज होता है। तो इसमें कौन कौन से मसालों का यूज होता है, किन किन चीजों का यूज होता है? इसमें पड़ेगा हमारा साबुत धनिया, साबुत धनिया डलता है, जैसे कि आप सुन सकते हैं और आपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं, बेशक आप वीडियो को पूरा देखें। और जैसे अदरक मिर्च हो गया, अदरक मिर्च डलती है, धनिया डालते हैं और पिट्ठी बोलते समय धनिया पाउडर डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं और धनिया पाउडर डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं लाल सिंह जी को। गर्म मसाला डालते हैं, धनिया पाउडर डालते हैं, हल्दी पाउडर डालते हैं, नमक डालते हैं, ये चीज से हमारा मसाला तैयार होता है। तो इन सब सामग्रियों के द्वारा इनका मसाला तैयार होता है। हाँ जी। और ये कितनी देर आँच में रखनी पड़ती है, जैसे एक रॉ को लाते हैं हम लोग समोसे को? तकरीबन हमें कम से कम 10 मिनट चाहिए गांध सेकने के लिए। जैसे हमारा समोसा हल्का ब्राउन हो चुका है तो आँच बढ़ाओ, थोड़ी आँच हल्की आँच बढ़ाओ और उसके बाद धीमी आँच में उसको फिर सिकने दो। हल्का ब्राउन हो जाता है तो हम आँच बढ़ा देते हैं, आँच बढ़ा देते हैं। और हाँ जी, आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारे लाल सिंह जी बता रहे हैं। तो आप ये फॉलो करेंगे तो घर में भी आराम से आपके समोसे बन सकते हैं। हमारा समोसा तैयार हो चुका है। अब ये हमारा लगभग समोसा तैयार हो चुका है, आप देखिए और कितना क्रिस्पी बन रहा है। आजकल लोग कैसे पसंद करते हैं, चटनी के साथ पसंद करते हैं या सिंपल सादा पसंद करते हैं? सर, चटनी के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, तो चटनी के साथ ही, ग्रीन चटनी और मीठी चटनी के साथ। अच्छा, सौंठ की जो चटनी बनी होती है उसके अंदर छुआरे होते हैं, काजू होती है, किशमिश होता है और अमचूर से बनाते हैं, मेरी कोई चटनी इस्तेमाल नहीं करते हैं, पेवर धनिया पुदीने की चटनी इस्तेमाल करते हैं। और ये यहाँ पर है छोटा समोसा, कुछ लोग छोटा समोसा भी पसंद करते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसमें स्टफ, इस तरीके से ये स्टफ डलता है इसमें। ये इसके अंदर काजू पड़ता है, पनीर पड़ता है, मटर पड़ता है, ओनियन मिनी समोसा बोल सकते हैं इसको, काजू पनीर वाला, और इसे अनियन मिनी समोसा भी बोल सकते हैं। और इसका स्वाद ही बहुत बढ़िया है, इसको चटनियों के साथ ही खाया जाता है। कुछ लोग स्पाइसी आजकल कम खाते हैं तो बड़ा समोसा नहीं खा पाते वो, या कोई नहीं खाना चाहते तो वो छोटा समोसा खा सकते हैं। ओनियन समोसा आप ये देखिए। अब इसका है, वैसे ही मैदा लगता है इसका, वैसे ही मैदा लगता है, वही सारी चीजें लगती हैं, बस स्टफ अंदर चेंज होता है, मसाले चेंज होते हैं, मसाले थोड़े से चेंज होते हैं। तो आप मसाले बताएंगे, मसाले कौन कौन से बताएंगे? हाँ जी बताइए। मसाले इसमें साबुत जीरा पड़ता है, हींग पड़ता है, साबुत जीरा पड़ता है, हींग पड़ता है, और मटर पड़ते हैं, और मटर पड़ते हैं, और पनीर, ये देखिए पनीर आप देख सकते हैं, काजू, ये देखिए स्पेशल चीज बन जाती है। मसाले वही गर्म मसाला और धनिया पाउडर और हल्का मीट मसाला, हल्का ये स्वाद के अनुसार, स्वाद के अनुसार मीट मसाला डलता है। हाँ जी, और इसको हम जैसे वही ऐसे मोड़ते हैं इसको, ये देखिए वही स्टाइल होता है मोड़ने का, जैसे हम बड़े समोसे को मोड़ते हैं, आप देख सकते हैं वही हम इसको ऐसे भरते हैं, और आराम से आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं ये चीज़ें, ऐसी बात नहीं है, आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा बताइए, ये आप दर्शकों को बताइए, व्यूवर्स को, किस तरीके से आपने किया है ये? हमने ऐसे पकड़ा इसको, इसको हमने जैसे अभी खोल देते हैं, ये हमने खोल दिया और इसको वैसे ही हमें ऐसे पकड़ना है, और यहाँ से ऐसे पकड़ना है, ऐसे मोड़ना है और ऐसे दबा दिया, हल्का पानी लगा सकते हैं
हम तो बिना पानी के भी बना रहे हैं। हाँ जी, इन्हें प्रैक्टिस है, अगर आप घर में बना रहे हैं तो पानी लगा के आप पानी लगाना पड़ेगा और फिर इसको ऐसे यहाँ से ऐसे इसी उंगली का कहल है, इस उंगली से ही हमें इसको ऐसे मोड़ना है, ऐसे दबाना है हल्का हल्का। कैसे तैयार हो गया आपका मिनी समोसा मटर पनीर वाला? ये आराम से आप घर में ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मिनी समोसा तैयार। और ये हमारी चटनी है, जैसे हम इसको मीठी चटनी। हाँ जी, अब हम चटनी की बात आती है, जो चटनी के बिना तो समोसा अधूरा ही होता है। तो ये हाँ जी भाई साहब, भाई ये बताइए ये कौन सी चटनी है? चटनी है। अच्छा, ये प्योर धनिया पुदीने की बनती है। प्योर धनिया पुदीने की बनती है, धनिया पुदीने की बनती है। और ये हमारी मीठी सौंठ है, ये सौंठ है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट पड़ता है, ड्राई फ्रूट डलता है, ये सौंठ है और ये मीठी सौंठ है। मीठी सौंठ होती है, ये अमचूर से अमचूर से तैयार करी है। इसके अंदर हम खुद घर के मसाले तैयार इस्तेमाल करते हैं, कोई बाजार का मसाला इस्तेमाल। बिल्कुल शुद्धता का प्रतीक घर के मसाले। तो हमारे साथ हैं कालरा स्वीट शॉप के भैया जगत भैया, तो इनसे पूछते हैं इतना पॉपुलर क्यों है। आप बताएंगे कि इतना पॉपुलर क्यों है आपका, ये और भी बहुत सारी स्वीट शॉप्स हैं, बट यहाँ पर ही बंदा पसंद क्यों करता आना? भैया जो भी है टेस्ट वगैरह है, लोगों को अच्छा लगता है, हम बनाते हैं अपने दिल से, पीपल लाइक इट, पीपल कम। ओके ओके, और मुझे इसके बाद ये बताइए कितने साल से चली आ रही है ये हमारी स्वीट शॉप? अरे 1955 से। ये देखिए आप 1955 से तो शॉप चल रही है ये, इस तरीके से हम देख सकते हैं कितनी पुरानी शॉप है, क्वालिटी मेंटेन की है, सारी चीज़ें इकोनॉमिक है, क्वालिटी है, तो तभी तभी बंदा आता है, तभी वो सोच के आता है कि हाँ भाई वैल्यू फॉर मनी है।